ले भाई, तीन चार टायर रह गई है। हाँ, तीन चार पेटी ये बच्ची रह गई। ठीक है, अच्छा काम रह रहा है। मैं एक दो टाइल पाछा धरने दे मना बच्ची। खींच दे उड़ दे ले आप ये अभी। धर दे उसके ऊपर, धर दे। वहाँ बिठा दिया, बिठा दो वहीं रख दो। और भाई ये दिख सका कहाँ इंटा में छुप गया कि नीचे चला गया। ये टाल उठा दिया फिर दिखेगा। थाई भी यार उठा दो, यार वो उठा दे। नहीं देखेंगे जी, एक तो देखा ही है। ये भी उठा। तो भाई फोन बजने शुरू हो गए। उठा ले या और उठा ले, खींच ले जा। और भाई सांप आया था उरे, आगे से आ जाओ। उरे से आया था भाई। छिपकलियां भी बहुत है उरे, तो चकमा तो नहीं दे गया वो हमने। पुरते ठान लग गए थे नहीं? हाँ, और इधर से एक और पीछे तो लेवा ना ना ताक गया के इस ताक का गए। ले भाई सांप लिकड़ेगा, उठता कड़ी नहीं कड़ी था छुपया तो रही है कितने कितने। और भाई जितने भाई फेसबुक पर जुड़ रहे हैं सारे यूट्यूब पर भी आ जा करो यार। यूट्यूब चैनल का भी नाम स्नेक मैन हरियाणा है, स्नेक मैन हरियाणा सतीश फफड़ाना। इन मतड़ी बड़े रह गया पेटी में कड़ी। मेरे देखो एक बार, तो पेटी में तो बने रहा इसमें। हेलो, कौन बज रहा है? खाना बज रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी, मेरे तो जुड़ रहा, कर दो बंद फोन, बंद कर लो, बंद कर दो तो बीच में डिस्टर्ब करेंगे।
कमेंट आ रहा सर ये के अंदर भी हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है, इसमें चढ़ जाएगा तो। यूरिया 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 पाया गया पाया गया पाया गया पाया गया पाया गया। ये यूगो मन लाग रहा है, ले भाई सुखदेव बैटरी ले, इन ईंटा के तला है ये यू दिख रहा है, देखो रखो। कोई नहीं कड़ी नहीं जानता है। लो जी एक का तो बनया काम, इन लगे लगा रहे सारी करेल दियो नी। लो भाई घर चित्ती सांप है, यू घर चित्ती घरेलू सांप, छिपकली खाने वाला सांप। सांप ये जी दर्ज दरार का दीवार का सांप है, दीवारों पर चलने वाला सांप है, छिपकली खावे। नहीं ये तो दीवारों पर भी चल जाए जी। ओड़ो का चक्कर काट गया, कदे दो दीवारों के बीच में बढ़ जाए, सारा मैम अलग अलग दीवारों है ना। यू क्या भाई कोण में दिखाई दे रहा है, इस कोण में भी गड़बड़ा कुछ नहीं। ओह छिप लिया था, इसका तो काम कर दिया यूआई डेक्सी का तो। चलो नहीं ला निकलो बाहर निकलो। ये एक ही है और भी है? एक ही मिला जी, कभी और हो और हो तो फिर बुला लिया हम, कदम ना खरा बुलाते एक बार अच्छे यहाँ पे वो नहीं पता चलेगा। अरे भैया एक बार अच्छे से देख दो ना, कहीं और ना हो ले पकड़ा ये थे ला। ले बैटरी नू ले गया तू, ये जी वुल्फ स्नेक संखारा छिपकली खाने वाला सांप, दर्ज दरार का दीवार का सांप, ये भी रात को निकला और कॉमन क्रेट भी रात को निकला है, काफी सारे लोग इसको भी कॉमन क्रेट समझ रहे हैं। हाँ लेकिन इसके बाइट के मामले सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही सांप काटता है। ये देखो मैं इसको अभी पकड़ूंगा ना, अभी काट जाएगा। अच्छा ये देखो थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से पकड़ना पड़ा इसको, अगर जोर से पकड़ा तो ये देखो ये काट रहा है ना। अच्छा हाँ ये काट लेता है, पर इससे बड़ी केचुली थी वो तो काफी। दिखाओ केचुली दिखाओ आप अभी माप। ओ तेरी ही हाँ जी अमनदीप कौर का लाइव जुड़ गए हैं, वो ऐलान आया था मोनू बोलता नहीं ना कमेंट पढ़ता। हाँ तो दिल्ली से जी राम राम जी, और देखो ये वुल्फ स्नेक है जी, और सांप पकड़ रहे हैं लाइव चला रहे हैं, लोग टाइम दे रहे हैं तो लोगों को जानकारी भी है, ऐसा नहीं है भाई आप लोग देख रहे हैं आपका फायदा नहीं, आस पड़ोस में जब स्नेक बाइट हो तो लोग जानकारी भी दे दें। बहुत सारी जगह ऐसी भी हो हैं कि पड़ोस में किसी को सांप काट गया उसको नॉलेज नहीं, और जब पड़ोसी जो कोई हमारी वीडियो देखा उसको पता चल जाता वो फिर वो जानकारी दे दिया बता भी दे भाई ये तो कॉमन क्रेट है, ये फलाना सांप है, ये कोबरा है, इसका ये इलाज है, टाइम बर्बाद ना करो, ये लक्षण होंगे, पेट में दर्द होगा, छाती में जलन होगी, सांस में दिक्कत होगी, पलक गिरेंगी, उल्टी लगेंगी, तो जानकारी बड़ी काम की चीज़ है, यानी कि एक इंसान की जान बचाने का काम जब हम रेस्क्यू करें तो ये वीडियो भी करें। परवीन भाई राम राम, राजेश राम राम भाई राम राम जी राम राम जी। और भाई केचुली ने फेंक दी, आप ये बताओ और आ जाओ, कोई नहीं अंदर आ जाओ, कितनी केचुली मिली थी आपको? चार पाँच थी। हाँ जी एक इतनी थी, एक बड़ी थी काफी। फिर वो मेरे को दिखाओ आप, वो तो फेंक दी, जो साफ करा ना तो फेंक दी काफी ज्यादा। सुनो बड़ी बड़ी बड़े से बड़ी कितनी बड़ी थी बताओ? इतनी बड़ी तो होगी। एक बार मैं इसको मैप लूं, पैमाइश कर लूं। हाँ। हो सका है इस सांप की ना हो दूसरे की हो, वही कह रहे ना क्योंकि ऐसा एक ब्लैक भी निकला था पहले भी। अच्छा पवन राम राम भाई राम राम जी नहीं था ये लो जी इतना तो ये भी हो गया। अच्छा ये देख लो आपके सामने है, पर फिर भी मतलब कुछ नहीं कह सकते और भी हो। हाँ देखो इतना तो है, यहाँ तक तो आया ये ठीक है। एक बाजू जितना सांप है क्या आज भी पहली दो कोबरा। अच्छा मतलब आप ये बताओ आपने सिर्फ केचुली देखे कि सांप भी देखे थे? नहीं मुझे पीछे
इधर से ना शोर आ रहा था दो तीन दिन से। अच्छा आवाज आ रही थी। हाँ आवाजें आ रही थी पर आज कैश ली। खोल लो कोई दिक्कत नहीं। आज सुबह बड़ी छिपली भी आई थी यहाँ पर। गो बड़े हाँ मोटली मोटली लिजर्ट, लेकिन वो अंदर भी कुछ कहीं का खा नहीं पाए क्योंकि ये पतले पतले सांप है ना। और आज तो ये मेरे ख्याल पहली पता नहीं दूसरी टाइल उठाते ही देख लिया था ना आपने। हाँ जब हमने आके पहली टाइल ही उठाई थी है ना। हाँ जी। तुरंत ही निकला था, लास्ट में भी नहीं मिला। और जब मैं पकड़ रहा था पूरा का पूरा बार था लेकिन हाथ से निकल गया। वीडियो तो फिर बाद में बनाने लगे, माँ चलो जानकारी भी मिल जाएगी भाई ने है ना। तो चलो इसका तो कोई खतरा नहीं है, फिर भी वही बात है कि घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं ना। नहीं गुड़िया है। अच्छा छोटी गुड़िया है, इससे डर के मारे नहीं, वो एक ना आज निस्सक से सांप पकड़ा हमने, कोबरा बड़ा फनियर तगड़ा, उसने सिर्फ आवाज ही आई थी। अच्छा। तो वो मना कहा महाई जी देखो अंकल जी ऐसी बात है कि केवता आवाज तो ये कोई चूहे ने कर दिया, किसी और चीनू बोले ना भाई सांप की थी, आप आज हो। उसका लड़का पुलिस में बड़ा अफसर है, निस्संग से ही पकड़ा आज। तो कोबरा पकड़ा दिन में 9 इंच का था, काफी बड़ा। किसने पकड़ा? फॉरेस्ट। अच्छा फॉरेस्ट वाले आए थे। किसके घर से पकड़ा? सामने वाले घर के। बहुत बड़ा था, कुत्ता भोग रहा था उसके ऊपर। हाँ तो फिर वो फॉरेस्ट वालों को ये नहीं दिखाया आपने? दिखा लेते फॉरेस्ट वाले, फिर चले गए ना उधर से। कंफर्म वो कह रहे थे कि आपने देखा तभी आएंगे ना। अच्छा देखा तभी आएंगे। तो इसमें क्या था, थोड़ा सा सामान ही था ये तो? नहीं उन्होंने क्या, अगर नहीं मिला तो फिर ना मिला तो ना मिला क्या बात है उसमें। मिला तो है, मिला तो ये अभी तो मिल गया। अभी तो मिला सुखदेव बैटरी जिंग कैमरा उन्होंने उन्हें बैटरी रखा कर यार बैटरी कैमरा उन्होंने बैटरी तेरी उन्होंने है। तो देखो भाई दोस्तों ये है वुल्फ स्नेक, संखारा इसको बोला ने, उन ने दीवारों पर चढ़ने में बड़ा माहिर सांप। और इसकी ये एक ऐसी प्रजाति है कि वर्ष भर अंडे देती रहे, पशुओं के बरामदे में बहुत मिला छिपकलिया खावे। और हमारी जो फिटिंग हुआ ओपन फिटिंग हुआ है घरों में या बरामदों में पशुओं के तबेले में, तो वहाँ भी ये सांप चलता रहे। मच्छर आवे बल्फ के पास और मच्छरों को खाने आवे छिपकली, और ये छिपकली को खाने आवे, बहुत मिला है फिटिंग मच्छरों में मिलने वाला सांप है। और इसकी जो फीमेल है इसकी मादा है जो 12-13 तक अंडे दे दें दीवार के अंदर, छोटे छोटे अंडे हुए जिस तरह जामुन का फल हुआ है, छोटा फल हुआ है यानी कि कैप्सूल से थोड़ा से बड़े। और भाई पकड़ लिया इसको, और भाई भेड़िया सांप इसी वजह से बोला इसका, अगर मैं मुँह दिखाऊँ तो थोड़ा सा क्लोज, तो इसका बिल्कुल भेड़िया जैसा मुँह है संखारा या बोलो सुने किसी वजह से बोलना। इसकी आंखें बाहर की तरफ उभरी हुई है और इसके जो मुंह का आकार है बिल्कुल भेड़िए की तरह है, और थोड़ी थोड़ी सी गर्दन इसकी अलग है। मैं दिखाना चाहूँ तो ये दिखाऊँ, एस बड़ी जल्दी एस बनाता है, इसके सिर से अलग थोड़ी सी गर्दन है। और कई बार जब ये इकट्ठा होता तो एस बना के इंसान को देखता रहता है, तो लोग समझते अभी फन उठा रखा था। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर तक हो, यानी लगभग 2 फुट 24 इंच तक ये सांप हो जाए, तो ज़्यादा बड़ा सांप नहीं होता इसी वजह से। लेकिन सांप पकड़ने वालों को इस सांप से बड़ा डर लगा है क्योंकि ये थका दिया है, एक्सपीरियंस होना चाहिए सांप को ढूंढने के लिए। अगर किसी घर में घुस गया तो चौकट में भी घुस सका है, ऐसी जगह घुस सका है कि जहाँ सोच भी नहीं सकते, अगर बाथरूम में एक टाइल लगी हो उसके पीछे भी ये सांप छुप सका है। ये जानकारी की चीज़ें हैं भाई, इस वजह से ही सांप को पकड़ने वाले डरते हैं कहीं भाई किसी घर में जावा और फिर ढूंढ आ रही है ना मिला और ये घर में ही हो। हाँ यही है, ये मारे बिल्कुल बाहर निकला था, ये दिखा रहे हैं इस साइड देख, ये दिखा रहे हैं, ये यही वाला है जी, बाल्टी में डाल रखा है ना ये ब्लैक कलर का, ये खुद ही पकड़ा। नहीं नहीं काले रंग का काला नहीं है, ब्लैक नहीं नहीं नहीं, ये देख रहा है जी मेरे को, काले का तो कॉमन क्रेट होता है काला, तो ये ब्लैक ही था हमने पकड़ा था, सेंट ब्लैक था ये, हमारी ब्लैक वाले पत्थर पे था ब्लैक, वो ब्लैक वाला तो कॉमन क्रेट हुआ है जी, ये ब्लैक आप लिए हुए है। चलो भाई दोस्तों कितने भाई जुड़ रहे हैं? 392। अच्छा काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं भाई, जितने भाई जुड़ रहे हैं फिर अपील करूंगा भाई, यूट्यूब चैनल है स्नेक मैन हरियाणा, क्योंकि हमने भी थोड़ी सपोर्ट मिलेगी भाई और हौसला होगा, और जब हौसला होगा तो हम भी इस काम ने नहीं छोड़ेंगे करते रहेंगे। और भाई वह बात है भाई हमारा तो कलाकारी वर्ग का काम है, पब्लिक साथ है तालियां बजती रहेंगी तो भाई हम भी चलते रहेंगे। और भाई हौसला ख़त्म हो गया तो केवता फिर इस काम ने छोड़ ही दिया, लेकिन अभी तो भाइयों का बड़ा साथ मिल रहा है, तो सारे भाइयों ने राम राम और सारे भाइयों ने धन्यवाद, जय जवान जय किसान, कर भला हो भला अंत भले का भला। चलो आ जाओ।